अच्छा जी, अतीक शॉप पर जा चुके हैं और मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में आज बना रही हूँ टिंडे और साथ में गोश्त। गोश्त जो उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले ही, आधा मैंने पहले बना लिया था, आधे को मैंने फ्रीज कर दिया था। ये रहे हमारे टमाटर सब्ज मिर्चें। तो चलिए अब टिंडे गोश्त बनाते हैं हम लोग। अच्छा जी, गोश्त को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद टिंडे मैंने काट दिए हैं। टिंडे या टिंडियाँ जो भी कुछ भी कह लें आप, टिंडे और टिंडे में कुछ फ़र्क होता है, मैंने सुना है। टिंडे थोड़े बड़े होते हैं और टिंडियाँ जो होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। चले जो भी है, अच्छा टिंडे गोश्त तो मेरे तकरीबन तैयार हो गए हैं, ठीक है। एक मसला ये हो गया कि जो गोश्त है वो थोड़ा सा ज़्यादा गल गया था मुझे लग रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही है। टिंडे अभी तक गल नहीं रहे। मैं टिंडों को गलाने की कोशिश कर रही हूँ, उस चक्कर में ना गोश्त ना कहीं और ज़्यादा गल जाए, मुझे ये डर है। लेट्स सी कि क्या होता है। चले रखती हूँ अल्लाह का नाम लेके। और जनाब हमारा मज़ेदार सा टिंडे गोश्त हो गया है तैयार। इसमें बस धनिया डालना है मैंने, और ये देखिए टिंडे गोश्त का सालन तैयार है। धनिया डाल देंगे, उसके बाद इसकी एक प्यारी सी लुक आ जाएगी। जी बेटा। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? पैंपी चेंज कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं मैं बेबी की पैंपी चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप बेबी की पैंपी चेंज करनी आती है आपको? कैसे करते हैं? ओए, अच्छा इधर से। अच्छा, इधर से पैंपी चेंज करते हैं। तो प्लेट में तो नहीं बिठाते इसको? इसको प्लेट में थोड़ी बिठाते हैं। इधर मामा की तरफ देखिए, इधर मामा की तरफ ऐसे स्माइल। चलो जी, बेबी की पैंपी चेंज हो गई। अच्छा जरा बताओ, बेबी की नोज किधर है? बेबी की आईज किधर है? बेबी की लिप्स किधर है? लिप्स इधर है, इधर छुप गए हैं लिप्स। लिप्स मैं हूँ आज बाबा के घर पे और हम बना रहे हैं आलू वाले राइस। किस किस को खाने हैं? सब लोग आ जाएं इधर। हाँ ठीक है, अभी जब राइस बन जाएंगे फिर मैं इधर डाल के दूंगी आपको। ओके जी, आज जो है वो एक पुरानी याद हो रही है ताज़ा, लेकिन पहले मैं खाती थी अकेले और आज मेरा बेटा मेरे साथ है और मेरे बेटे को सर पे प्लेट लग गई है। इधर रखती तू आपको। ओके, मैं भी बनाती देखती हूँ अपने बेटे को। ये देखो, आलू भी खाना है आपने। ओके गुड बॉय। अब अपने ये फिर अभी तक गर्म है, जानिए अभी गर्म है। पहले प्लेट से सर जो वो लग गया और अब फिर गरम गरम खा के मुझे ला लोगे। ठंडे होने तो बेटा, अभी निकाल के लाई हूँ। ठहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर बन रही है चाय। सालन मैंने जो वो गर्म कर दिया है, आपको पता धनिया मेरे पास नहीं था, तभी तो ये इनकम्प्लीट हंडिया लग रही है। खैर अब इसके बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा, सुबह सुबह का टाइम है। अच्छा जी, ये प्याज मैंने काट दिया अंडा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ अंडे को बीट करके रख लिया और अब सोचेंगे पांच पराठे क्यों बना रही, क्योंकि आप लोगों के ना क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप दो लोग हैं आप पाँच पराठे खाते हैं? ऐसी बात नहीं है। आज भाभी घर पे नहीं थी तो मैंने कहा चले बाबा का और भाई का नाश्ता जो मैं भेज देती हूँ बना के, तो मैं बस जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने बेटे को फीडर दे के आऊँ। सुबह के आई थिंक 8:30 का टाइम है और उसका ऑर्डर आया कि मामा मुझे दूध दे दो, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। जी बेटा, जी मेरी जान। अच्छा जी, अभी हम करने लगे हैं नाश्ता, और नाश्ते में ये रही एक अदद, तो आपको पता चल ही गया होगा अब तो कि ये स्मार्टनेस का राज। एक अदद मोटापा। नाश्ते में जी अंडे हैं, चाय है, और मेरा बेटा है जो इस वक्त रफ और टफ हालात में बैठा है, तो मैं इसकी तरफ कैमरा नहीं करूँगी। आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया, लेकिन है नींद में ही शायद, है ना दी। क्या खाना है मेरे बेटे ने? अंडा दे दो बाबा, आप ना खाएं। जी तो दी बताइए, आज आप क्या गिफ्ट देंगे मुझे? जी रोटी देना बाबा, रोटी दे छोटी सी इसको। आज है मेरी बर्थडे, और देखते हैं कि आज अतीक मुझे क्या विश, क्या गिफ्ट देते हैं। वैसे भी याद तो इनको मैंने ही करवाई है। आपकी शर्ट के बटन क्यों खुले हैं? बाबा रोटी दे दो, गुड बॉय, माशाल्लाह। तो चले फिर अभी हम नाश्ता करते हैं। मैं आपको बताऊंगी रात तक व्लॉग, आप मेरे साथ ही हैं, अब तो पता है आपको मैं रेगुलर हो ही गई हूँ। तो उम्मीद है कि कुछ, मैंने इनसे कहा या तो घर आते हुए अपने, एक तो जल्दी आना है क्योंकि मेरी बर्थडे है, दूसरा आपने खाली हाथ नहीं आना, तीसरा आपने रात को हमें बाहर लेके जाना है, चौथा आपने हमें खाना खिलाना। जी बेटा, अच्छा मेरा बेटा, देती हूँ। चले जी फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं ज़रा खा लूँ क्योंकि इससे पहले कि ये मेरी रोटी खाना शुरू कर। अच्छा जी, नाश्ता हो गया हमारा, और किचन की तरफ अगर जाएं तो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है। बर्तन धोने हैं सारे, मुझे सारे किचन को करना है नीट एंड क्लीन, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि मेरी मेड जो है वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पर चली गई है, तो अब हिम्मत जो वो खुद ही करनी है। सो सारी डिशेज जल्दी से करती हूँ वॉश, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हसान को थोड़ा ध्यान लगाने के लिए मैंने जो है वो कार्टून लगा कर दे दी हैं। और अच्छा जी, कपड़े धो, ओहो बर्तन, कपड़े कह रही हूँ, बर्तन धुल चुके हैं, और ये जी हस्बैंड के जो काम होते हैं, कपड़े जो उतारते हैं उनको ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, मैं बाहर रख। और जनाब मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, और अपनी तरफ से तो चूल्हे को भी साफ़ करने की कोशिश की है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा चले बाकी का जो काम है ना वो फिर करेंगे। अब 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर मैं हसान को नहलाऊंगी। अच्छा जी, दोपहर को कम से फ्री होने के बाद फिर मैंने जाना था, एक शादी थी फ्रेंड की, तो मैं वहाँ पर आ गई थी, और मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी कि चलो व्लॉग के लिए, और ज़ाहिर है कि मैं फेस तो नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लिप जो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी जैसे वहाँ पर बारात आई, ढोल की आवाज़ आ रही थी, तो ये जो हसान साहब हैं इनको तो ऐसे डांस आ रहा था ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये क्या कर रहे हो, नाशी कर रहे हो?